हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 और YT एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार में डबल स्टार पाने का एक सुनहरा अवसर आ चुका है। ये बिहार दरोगा की बहाली है और 1275 पद का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ये बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये 5 अक्टूबर से आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों, और 5 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने को लेकर। लेकिन 1275 पद की बहाली की जब चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो सर हमारी मांगों का क्या है? जो मांग हम रख रहे हैं यहाँ पे कि आप एग्जाम लीजिए, बिल्कुल यहाँ पर बीपीएससी जैसा एग्जाम लीजिए, जैसा कि आज बीपीएससी का एग्जाम हुआ। यहाँ पे जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना, वो बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर चला जा चुका है ना, बिल्कुल यूपीएससी के जैसा ही क्वेश्चन सेट करके दिया गया था। उसका एनालिसिस मैं दूंगा भी, है ना। अभी अभी जस्ट एग्जाम से ही होकर आ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे अभी उसका जो है एनालिसिस वीडियो बनाया नहीं। मैंने सोचा कि नया नोटिफिकेशन आया है बिहार दरोगा का, ये पहले दे दिया जाए। लेकिन वहां पे क्या होता है सर कि एग्जाम लिया जाता है आपका, जो है प्रोविजनल यहाँ पे आंसर की जारी किया जाता है, और साथ में हमें क्वेश्चन बुकलेट भी दे दिया जाता है। तो बिहार दरोगा और बिहार सिपाही का क्वेश्चन बुकलेट क्यों नहीं मिलता है सर? पारदर्शिता तो यही आप खत्म कर दे रहे हैं आप, कि आप लोगों को क्वेश्चन बुकलेट देना चाहिए एग्जाम कंडक्ट होने के बाद, ताकि छात्र जो है पेपर लीक करने के पीछे ना भागे। और जिस प्रोसेस में एग्जाम बीपीएससी ले रही है, उसी प्रोसेस में यहां भी लीजिए। हाँ, यहां पर जो संख्या होती है वो बल्क में होती है, ज्यादा छात्र फॉर्म भरते हैं, है ना, लाखों में छात्र फॉर्म भरते हैं। लेकिन यहां पे भी आपको कुछ ना कुछ ऐसे बैरियर्स लाने होंगे जिससे कि आप पारदर्शिता बरत सके। और बहुत सारी चीजें तो बदल रही है, सीएसबीसी भी बदल रहा है और बीपीएसएससी अभी तो ये 3 साल के बाद खुद लेकर आई है चीजें, आप नोटिफिकेशन। अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें नई देखने को मिलती है हमें। लेकिन 3 साल बीत चुके हैं, तो यहां पर हम लोग उम्र सीमा की भी बात करना चाहेंगे। एज क्राइटेरिया को लेकर आप लोगों ने क्या सोचा है सर? आप लोग यहाँ पे छूट देंगे या नहीं देंगे छात्रों का? क्योंकि 3 साल से जो छात्र वेट कर रहे थे कि उनको लग रहा था कि ये बहाली आएगी, तो बिहार के इन बहाली की प्रक्रियाओं से सरकार के ऊपर से ना छात्रों का जो है ना भरोसा उठते जा रहा है कि 3 साल लगा दे रहा है एक बहाली कराने में, तो क्यों आखिर हम इस फॉर्म को भरें, इसका इंतजार क्यों करें? वो किसी और तैयारी में लग जा रहा है, किसी और एग्जाम की तैयारी में चला जा रहा है। तो आयोग को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि एग्जाम कैलेंडर तो पहले जारी करे कि हम लोग जो है अगली बहाली इस डेट में लेकर आ रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी करती है। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम लेने के बाद आपका क्वेश्चन बुकलेट बीपीएससी दे देता है, तो आपको देने में क्या ऐतराज है सर? आप भी दीजिए बुकलेट, यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, उसके बाद आंसर की प्रोविजनल जारी कीजिए, फिर उसके बाद आपत्ति लीजिए। आपत्ति लेने के बाद जो है आप यहाँ पे जो है जो क्वेश्चन गलत है उसको सुधार कीजिए, फिर आंसर यहाँ पे रिजल्ट जारी कीजिए। रिजल्ट जब जारी होता है तो फिर इसके बाद मेंस भी होता है, तो आपके पास तो यहाँ पे सेलेक्टेड स्टूडेंट को निकालकर मेंस में डालने के अपॉर्चुनिटी है, तो आप ये ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो ये सब मांग है हम लोगों की, और मांग बहुत सारे लंबा लिस्ट है यहाँ पे। महिला छात्राओं के लिए हाइट को लेकर भी ये चीजें बहुत पिछले साल बात हुई थी, लेकिन हाइट हुआ है कम या नहीं हुआ है तो हम नोटिफिकेशन आपको दिखलाएंगे। लेकिन इस फॉर्म को लेकर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको वो बताने जा रहे हैं, सैलरी क्या मिलेगी आपको यहाँ पर वो बताएंगे, और यहाँ पे जो है आप लोगों का जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है उसको लेकर क्या क्या क्राइटेरिया है ये भी बताएंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा देखिएगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। उसके बाद में फॉर्म भर के भी बताऊंगा कि बिहार दरोगा का फॉर्म आपको कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैंने अभी आपको इसका फॉर्म भर के भी बताया है बिहार एसएससी में जो 12th लेवल का वैकेंसी आया है। तो आप लोग भी जाके वो सारे वीडियोज देखिए, यहाँ भी आपको ऐसे वीडियोज देखने को मिलेंगे। हर बहाली की तैयारी में हम आपके साथ जुड़े हैं, तो आप हमारे YT एजुकेशन का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल रहे हैं अभी 11 बजे सुबह में और 8 बजे सुबह में करंट अफेयर का मिल रहा है, तो आप लोग जुड़िए वहां पे, प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ। और बिहार दुर्गा को लेकर जो है नए प्रैक्टिस सेट वगैरह भी हम लोग लेकर आएंगे, जो कि आपको YT एजुकेशन चैनल पे हमारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। दोस्तों हम हैं बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। कमीशन का ये यहाँ पे वैकेंसी है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 30 तारीख का ये अपडेट है, यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया जा चुका है, और ये विज्ञापन जो है गृह पुलिस विभाग की तरफ से जारी किया गया है, और यहाँ बिहार सरकार की तरफ से गृह विभाग के आरक्षी शाखा के अंतर्गत इस भर्ती को लिया जाएगा। तो ये नियुक्ति की प्रक्रिया दोनों ही एक ही नोटिफिकेशन है, आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नोटिफिकेशन का संख्या, आप लोग नोट कर लीजिएगा 2/2023 है,
लास्ट डेट फॉर्म भरने का यहां पर दोस्तों 5 नवंबर है और फॉर्म भरने का डेट 5 अक्टूबर है। यहां पे अगर हम बात करें तो ये गृह विभाग की आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि बिहार दरोगा के पद के लिए सीधी नियुक्ति है। लेवल 6 का सैलरी स्केल है, तो लेवल 6 यानी कि लगभग 35,000 तो आपका सैलरी आसपास रहेगा ही, एचआरए डीए वगैरह मिलकर यहाँ पे 42,000 या 45,000 के आसपास अप्रोक्स सैलरी बन सकती है। उससे ऊपर नीचे होगा तो भाई देख लीजिएगा, जो लोग दरोगा है वो लोग कमेंट करके बताएंगे, जो पिछले साल सेलेक्ट हुए हैं छात्र, और बहुत सारे छात्र हमारे चैनल से भी जो हैं जो कि सेलेक्ट हुए हैं और उन वो अभी ट्रेनिंग में है, 2213 वाले और 2446 वाले का ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है। तो इस बार भी हम चाहेंगे कि इस 1275 पद में से भी आप हमारे थ्रू जाइए उस ट्रेनिंग सेंटर में सेलेक्ट होकर, तो आपकी तैयारी के लिए हम लोग जुड़े रहेंगे आपके मेंस एग्जाम तक। लेवल 6 का सैलरी स्केल है यहां पर, तो बात यहां पे उठेगी कि सर कितने पद हैं, तो 1275 हैं। और यहां पे देखिएगा तो इन पदों की नियुक्ति के लेकर यहां पे परीक्षा आयोजित की जाएगी जहां पे आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, इसके लिए विज्ञापन आपको जो है जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया आपका 5 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। उक्त पदों के लिए यहां पर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का जो अभ्यर्थी है ऑनलाइन आवेदन जो है आवेदन पत्र जो है प्रक्रिया किया जाएगा एक अभ्यर्थी द्वारा एक ही बार, और देखिए मात्र एक ही ऑनलाइन फॉर्म भरा जाए। मैं आपको फॉर्म भर के जब बताऊंगा उसके बाद एक दो दिन वेट कर लीजिएगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स बोल दिया जाएगा उसको आप सेलेक्टिव रख लीजिएगा और उसके बाद ही आप जो है फॉर्म भरने की प्रक्रिया में शामिल होइएगा। क्योंकि क्या है कि अगर गलती हुआ तो यहाँ पे फिर गलती ही चला जाता है सब कुछ, है ना, अपडेट आपका। चलिए ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, ये नोटिफिकेशन आप लोग पढ़िएगा जो भी यहाँ पे अपडेट दिया गया है आरक्षण वाइज लेकर। तो यहाँ पे देखिएगा आवेदन करने की जो पात्रता है यानी कि जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक तो आपका इंडियन होना जरूरी है, पुरुष है, महिला है या थर्ड जेंडर है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, ये तीनों जेंडर में। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। समकक्ष समझते हैं ना कि मतलब इक्विवेलेंट आपका ग्रेजुएशन के, कोई भी आपने किया है कोर्स, है ना, NIOS वगैरह से भी अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की गणना जो होगी 1/8/2023 के आधार पर ही की जाएगी। अब आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पे कि उम्र सीमा को लेकर जो है न्यूनतम आपका उम्र सीमा 20 वर्ष रखा गया है यहाँ पर, यानी कि 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार ही आपका उम्र सीमा काउंट किया जाएगा और मैक्सिमम जो है आपका 37 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 से लेकर 40 साल है हर एक कैटेगरी में, तो महिला लोगों को यहाँ पे आरक्षण के मुताबिक थोड़ा सा फायदा हुआ है, चाहे आप जनरल में आती हैं तो 40 साल तक हैं तो फॉर्म भर सकती हैं। पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं आप पुरुष या महिला छात्राएं, है ना, पुरुष या महिला दोनों ही, तो वो भी 20 से लेकर 40 साल तक आवेदन करेंगे। अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आप 42 साल तक आवेदन करेंगे, लेकिन न्यूनतम एज क्राइटेरिया 20 साल है, ध्यान रखिएगा। बिहार के अगर निवासी हैं, सरकारी सेवक हैं, उच्चतर वेतन पाते हैं तो आपको यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए अधिकतम आयु में 5 साल की छूट दी जाएगी, है ना। और यहाँ पे जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 साल का जॉब किया है उनके लिए भी ये लागू होता है, तो 5 वर्ष उनको छूट मिलेगा। असैनिक पदों पर यहाँ पर नियुक्ति को लेकर जो है, मतलब कि असैनिक पदों पर नियुक्ति भूतपूर्व सैनिक जो है, है ना, एक सर्विसमैन में है, ठीक है, तो उनको यहाँ पर जो है छूट मिलेगी 3 साल तक के लिए, है ना, ये एक सर्विसमैन में जो भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये अवधि जो है उनकी समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कटऑफ जो है 57 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है। अधिक उम्र सीमा को लेकर यहाँ पे आपका जो है कैलकुलेशन मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार किया जाएगा, तो वो आपको मांगा जाएगा फॉर्म भरते समय। यहाँ पे देखिएगा फिजिकल एफिशिएंसी को लेकर क्या बातें की गई है, तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, बट आपका क्वालिफाइंग है, ये चीजें होंगी तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हाइट होना चाहिए, सीना मेजरमेंट होगा आपका और वजन कितना है उसको भी जांचा जाएगा। हाइट को लेकर अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 165 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 160 सेंटीमीटर कर दिया गया है, जिसकी मांग हो रही थी, ये सॉरी माफ करेंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है 160 है, और अनुसूचित जाति जनजाति में है 160 है,
महिलाओं को लेकर जो बातें की जा रही थी कि 155 कर दिया जाए, तो यहां पर सभी महिलाओं का हाइट 155 सेंटीमीटर कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पे, है ना। और सीना का मेजरमेंट जो है पुरुषों का होगा, ये ध्यान से देख लीजिएगा, 81 सेंटीमीटर यहाँ पर है बिना फुलाए और 86 सेंटीमीटर फुलाकर है। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर गैप होना चाहिए। ईबी जो SC ST के छात्र हैं यहाँ पे उनका 79 है और 84 है फुलाकर, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा महिलाओं के लिए यहाँ पे नहीं होगा मेजरमेंट, वजन लेकिन महिलाओं का जांचा जाएगा, कम से कम 48 किलो उनका वजन होना आवश्यक है। जो किन्नर या हिजड़ा या ट्रांसजेंडर सेक्टर सेक्टर से आते हैं, यानी कि जो कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए जो भी मापदंड होगा वो महिलाओं वाला ही होगा, महिला अभ्यर्थियों का यहाँ पे समान यहाँ पे उनका मापदंड लिया जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया देखिए, यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है यहाँ पे क्या लिखा गया है कि आपको लिखित परीक्षा होगी, जी हाँ, और ये प्रथम चरम आपका PT एग्जाम होगा, जहाँ पे 200 मार्क्स का बिल्कुल वही एग्जाम का पैटर्न रखा गया जो कि पिछले साल था, है ना, पिछली बार का था सॉरी, जहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे और ये हर क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर का होगा। यहाँ पे जब 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी कि अगर आप 5 गलती करेंगे तो आपका जो है 1 मार्क कटेगा, ये ध्यान रखिएगा, 5 गलती किए तो आपका 1 मार्क कटेगा, यानी निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। 2 घंटे की अवधि का ये परीक्षा होगा, जहाँ पे आपका सामान्य ज्ञान, समसामयिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 30% मार्क्स लेकर आना अनिवार्य होगा अगर क्वालिफाइंग होना है तो, लेकिन यहाँ पे तो लाखों छात्र फॉर्म भरते हैं तो कट ऑफ ही देखा जाता है। 20 गुना छात्रों को यहाँ पे लिया जाएगा सफल होने के लिए, तो ये ध्यान रखेंगे, आपको यहाँ पे जो है 20 गुना छात्र, यानी कि वैकेंसी का 20 गुना, मान के चलिए कि अगर आपका जो वैकेंसी है ये कितना है तो 1275 है, ठीक है। अब इसका जो है 20 गुना निकाल लीजिएगा, तो अगर आप बात करें तो लगभग 25,500, है ना, 25,500 छात्रों को मान के चलेंगे कि हो सकता है कि ये 26,000 छात्रों को जो है ना सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको पतला कर ले, ओके, ठीक है, अभी यहाँ पे जो है जो आपका मेघा क्रम के अनुसार बनेगा, आरक्षण कोटिवार बनेगा, और साथ में जो अर्हता है यानी क्वालिफाई नेचर है उसको देखते हुए ही यहाँ पे मेरिट लिस्ट PT का तैयार करके दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ से ध्यान में रखिएगा और आगे चलते हैं, यानी कि यहाँ पे लगभग 26,000 छात्रों का सिलेक्शन होगा दोस्तों इस बहाली की प्रक्रिया में PT में। अगर आपका सिलेक्शन होता है, क्योंकि कट ऑफ की बात हम बाद में करेंगे, तो दूसरे चरण में आप पहुंचते हैं, यहाँ पे होता है आपका मेंस एग्जाम। अब यहाँ पे भी सेम पैटर्न पे आपका जो है मुख्य परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, पहला पत्र जो होगा आपका हिंदी का होगा, ये ध्यान में रखिएगा, और दूसरा पत्र जो होगा आपका वो सामान्य अध्ययन का होगा, तो ये ध्यान में रखना आपको। यहाँ पे 30% मार्क्स लेकर आना जरूरी है, और ये भी 200 नंबर का, तो यानी 200 मार्क्स गुने 30% हो गया, है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये 60 नंबर लेकर आना है कम से कम आपको हिंदी में, ठीक, तभी आप यहाँ पे पास माने जाएंगे। 100 क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन का 2 नंबर होगा, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि हर 5वां क्वेश्चन गलत, 5 क्वेश्चन गलत किए तो 1 नंबर आपका जाएगा, ठीक है, उन्हें जो यहाँ पे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो लोग इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा पेपर है आपका सामान्य हिंदी के बाद जो है आपका सामान्य अध्ययन का, सामान्य विज्ञान भी होगा, नागरिक शास्त्र भी होगा, भारतीय इतिहास से, भारतीय भूगोल से, गणित से और मानसिक योग्यता से यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे और यही आपका मेरिट का आधार होगा, यानी कि मेंस एग्जाम का जो है जो रिजल्ट होगा वही आपका, वही उसी से जो है आपका क्या बनेगा, तो उसी से आपका मेरिट बनेगा, याद रखिएगा, यहाँ पे आपको स्कोर करना है सबसे ज्यादा, ठीक है। PT आप क्वालिफाई होंगे, हिंदी आप क्वालिफाई होंगे, लेकिन मेरिट जो है आपका पेपर जो है मेंस का ही बनाएगा। दोनों चरणों की परीक्षा में अगर प्रत्येक उत्तर की गलत की बात करें तो निगेटिव मार्किंग 0.2 काटा जाएगा, यानी कि हर 5 क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर कटेगा आपका, जिसकी 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। वैसे तो उत्तर पुस्तिका 2 प्रति में होगी, 1 जो है प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। तो मैं आयोग से विनती करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज OMR शीट की भी कॉपी जारी किया जाए वेबसाइट पे, और यहाँ पे आंसर की जारी किया जाए, बुकलेट दिया जाए छात्रों को, ताकि जो है वो क्वेश्चन मिला सके, है ना। यहाँ पे बात करें मुख्य लिखित परीक्षा का आधार में, फिर 6 गुना अभ्यर्थियों को जो है सेलेक्ट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो छात्र सेलेक्ट होकर आएंगे ना,
ये छात्र होंगे लगभग 26,000, ठीक है, लेकिन वैकेंसी कितनी है 1275, तो 1275 का ही 6 गुना यहां से निकाला जाएगा, ठीक है। तो लगभग जो है यहां पर अब मैं बात करूं तो 6 गुना अभ्यर्थी को मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियां जितनी हैं उतना का 6 गुना है ना। तो मान के चले 6 × 25 30, 6 × 7 42 और 3 यहां पे 45 और 12 × 6 72 और 4 76, यानी कि 7,650 लोग जो होंगे वो सिलेक्ट होके आएंगे मेंस एग्जाम से, सीधी सी बात है यहाँ पे। और ये जो है आपका जो है मेधानुसार इसके शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होंगे छात्र, यहाँ से इस 26,000 में से ये 7,650 लोग सिलेक्ट होकर आएंगे, किसके लिए, तो पीईटी के लिए, ओके। अब यहाँ पे जब पीईटी में आप जाएंगे तो तीसरा चरण में आप पहुंच जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझा रहा हूँ, समझिएगा प्यार से, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। शारीरिक योग्यता जो होगा आपका ये कुछ निम्नवत होगा, जहां पे शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में आपको सफल अनिवार्य बताया जाएगा। दौड़ होगा पहले आपका, है ना, अब ये इंपॉर्टेंट है आपका यहां से क्वालिफाई होने का, क्योंकि ये दौड़ आप पास कर गए मतलब आप सेलेक्ट हैं, क्योंकि यहां से जो है सब कुछ निर्भर करता है, 50 मतलब 80% काम यहाँ पे समझिएगा कि हो जाएगा आपका, ठीक है। 1 मील का दौड़ है पुरुषों के लिए, 1.6 किलोमीटर दौड़ेंगे 6 मिनट 30 सेकंड, ये 30 सेकंड बाद में बढ़ाया गया था पिछले वैकेंसीज में, ठीक है। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का ही दौड़ है, लेकिन इसको 6 मिनट में पूरा कर लेना है, अधिक समय लगाती हैं तो वो डिस्क्वालिफाई हो जाएंगी। अब ऊंची कूद, ये आपका उसी में दूसरा चरण है, ऊंची कूद ये न्यूनतम 4 फीट का रखा गया है, 4 फीट से कम कूदेंगे तो अभ्यर्थियों का जो है असफल यहाँ पे घोषित कर दिया जाएगा, और महिलाओं के लिए 3 फीट रखा गया है। लंबी कूद भी है यहाँ पर, तो जो कि लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप, यहाँ पे 12 फीट रखा गया है, और 12 फीट से कम होते हैं तो असफल घोषित हो जाएंगे। सभी महिलाओं के लिए ये जो है 9 फीट का जो है आंकड़ा रखा गया है। अब यहाँ पे देखिएगा गोला फेंक हमारा जो है चौथा है प्रोसेस यहाँ पे, अगर 16 पाउंड का न्यूनतम गोला न्यूनतम है फेंकना, यहाँ पे पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला है, ठीक है। अब 16 फीट फेंकना है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है, 16 फीट से कम फेंके तो आप असफल घोषित हो जाएंगे। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला फेंकना है 10 फीट, अगर 10 फीट से कम फेंके तो आप डिसक्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा बदलाव किया गया है यहाँ पर, आप चीजों को देखिएगा, यहाँ पे पहले जो नोटिफिकेशन आपका होता था वो जैसे कि 16 फीट नहीं फेंके तो 15 फीट फेंके तो उसमें कितना मार्क्स मिलेगा, 14 फीट फेंके तो कितना मार्क्स मिलेगा, इसी तरह यहाँ पे जो है आपका लंबी कूद में भी था कि अगर हमने 12 फीट जो है नहीं कर पाए, 11 फीट किए, 10 फीट किए तो कितने मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ ये क्वालिफाई नेचर में रख दिया गया कि आप 16 पाउंड फेंके तो ठीक, नहीं तो 16 पाउंड से कम फेंके तो असफल, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं अपडेट किया गया है। 6 मिनट 30 सेकंड दिया गया है दौड़ के लिए, और महिलाओं के लिए 6 मिनट दिया गया है, इसमें आपको पूरा दौड़ कंप्लीट करना है। इसमें जो है आपका ये स्पर्धाओं में लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, ये तीनों रखा गया है। ऐसे अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा। मात्र ऊंची कूद या फिर गोला फेंक में अधिक 3 मौके आपको दिए जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा, लेकिन यहां पर जो है आप अगर इसमें दौड़ कंप्लीट नहीं कर पाए तो एक बार में आपको यहां से बाहर किया जाएगा, मतलब कि सिर्फ पहला दौड़ वाला में ही कोई चांस नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 चांस मिलेगा आपका, ऊंची कूद में, लंबी कूद में और गोला फेंक, ठीक है। थर्ड जेंडर के लिए जो अपडेट है यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये आपका गृह विभाग की तरफ से अपडेट है ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए, कि जो आपका मापदंड है वो आपका बिल्कुल महिला वर्ग के ओबीसी कैटेगरी का जो होगा उसी के समान रखा जाएगा। अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र जो है सामान्य विज्ञापन के अनुसार ही रहेगी, अधिकतम उम्र जो है अनुसूचित जाति जनजाति की कोटि को दिया गया है, बिहार राज्य के मूल निवासी उसके लिए होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जाएगा सक्षम प्राधिकार के द्वारा, जो कि ट्रांसजेंडर को भी यहाँ पे वही प्राधिकार बना के लेकर आना है, ठीक है। तो आपको ये सब ज्वाइनिंग के समय मांगा जाएगा, यहाँ पे फॉर्म भरते समय ये चीजें नहीं मांगी। अब यहाँ पे फॉर्म भरने का प्रोसेस अगर अलग किया गया होगा तो वो आपको 5 अक्टूबर को पता चल भी जाएगा। मेधा सूची उसके बाद बनेगी आपका, है ना, मेधा सूची बनेगा, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा, और मुख्य परीक्षा के आधार पे ही आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। और फिर यहाँ पे रिक्तियों का संख्या देख लीजिए, टोटल कितने कैटेगरी में क्या क्या संख्या दी गई है,
अनुसूचित जाति के लिए 275 है सीटें, जहाँ पे 66 सीट महिलाओं के लिए हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए 16 सीटें हैं, जहाँ पे 4 सीट महिलाओं का रिजर्व है उनके लिए। स्वतंत्रता सेनानी से जो संबंधित है वो यहाँ पे देखते जाएंगे, है ना। अत्यंत पिछड़ा यानी कि ईबीसी की बात करें तो 238 सीट है, 75 महिलाओं का सीट है, 4 यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी की नाती पोतों के लिए है। ओबीसी की बात करें तो 107 सीटें हैं, 36 सीट यहाँ पे महिलाओं के लिए है, 3 सीट महिला का रिजर्व रहता है यहाँ पे। पिछड़े वर्गों की बात करें यहाँ पे तो 82 है यहाँ पर पिछड़ा वर्ग की जो महिला है ओबीसी फीमेल, ठीक है। और अनारक्षित वर्ग की बात करें यानी कि जनरल में तो 441 सीट है यहाँ पे, जिसमें कि अदर स्टेट के भी स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं इस कंपटीशन। महिलाओं के लिए 153 है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको महिला जो है जो बिहार की है उन्हीं को ये यहाँ पे आरक्षित मिलेगा। यहाँ पे 111 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए, 34 महिला के हो जाएंगे सीट यहाँ पे, और ट्रांसजेंडर के लिए 5 सीटें हैं यहाँ पर, ध्यान में रखेंगे इनके लिए महिलाओं की या पुरुषों वाला जो है कोई सिनेरियो नहीं है। तो टोटल 1275 सीट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, जहाँ पे 368 सीट तो महिलाओं को ही रिजर्व है, यानी कि पुरुषों का जो फाइट होगा लगभग 900 सीटों के ऊपर होगा, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे ये सारी जानकारी दी गई है आरक्षण को लेकर, मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगा, है ना। आपको अगर कोई डाउट है आरक्षण को लेकर तो जरूर पूछिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना दिया गया है। कट ऑफ तिथि एज क्राइटेरिया को लेकर 1 अगस्त 2023 रखा गया है, और आपका जो भी सर्टिफिकेट बनेगा नियुक्ति प्राधिकार, देखिएगा तो पुलिस अवर निरीक्षक के पद के लिए बनेगा ये नियुक्ति प्राधिकार, जो है पुलिस उप महानिरीक्षक होंगे, ठीक है। और चिकित्सा जांच होगी आपकी यहाँ पे, उसके बाद मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा, फिर लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा के समय अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण से बचाव रखेंगे, ये सब सारी जानकारी दी गई है। फॉर्म को कैसे भरना है ये पैरा नंबर 13 में दिया गया अपडेट, एक एक करके स्टेप पढ़ना है, लेकिन मैं फॉर्म भर के आपको बता दूंगा कि आपको फॉर्म को कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है, इसके लिए भी आपको एक अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा। और इसके सिलेबस को लेकर भी मैं आपका जो है एक अलग वीडियो बनाऊंगा, है ना। अगर फॉर्म भरते समय गलती हो गया चूंकि रजिस्ट्रेशन में, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कैसे करना है वो भी बताऊंगा, फोटो कितने साइज का रखना है वो भी बताऊंगा, सब अलग से एक वीडियो बना के आपको अपडेट करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर वो डिटेल आप लोगों तक जो पहुंचा पाए हैं ये आप लोग उन सभी तक पहुंचाएं, जिससे कि उनको ये लाभ हो सके।